बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माह मुबारक रमज़ान तेज़ी से गुज़रता जा रहा है। ये वो महीना है कि इसके दिनों का कोई जवाब नहीं, इसकी रातों का कोई जवाब नहीं। इसके दिन जैसे पूरे साल में दिन नहीं, इसकी रातों जैसी पूरी साल में रातें नहीं हैं। ये बड़ा मुबारक महीना है। इस महीने की सबसे बड़ी ख़ासियत यह है कि पैगम्बर इस्लाम ने फ़रमाया कि इस महीने में आपकी दुआएँ कबूल की जाएँगी। मेरी आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि इस वक्त कुछ करें ना करें, इंसानियत के लिए दुआ करें, मानवता के लिए दुआ करें। दुआ करें कि परवरदिगार आलम दुनिया में जहाँ भी इंसानियत है और जहाँ भी इंसान ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो तमाम इस कोरोना नाम की वबा से महफूज रहें और परवरदिगार आलम इंसानियत को इस बला से महफूज रखे। इस वक्त हाज़िरी का मकसद जो है, इस वक्त आने का मकसद वो ये है कि चंद दिनों से हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे कि हिंदुस्तान के हालात ये थे कि अगर अस्पताल है तो अस्पताल में बेड नहीं और अगर बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कमी थी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज ये खुशी की खबर ही आई है कि सऊदी अरब ने हिंदुस्तान को ऑक्सीजन दिया है और वहाँ से ट्रक जो है बाकायदा एरोप्लेन के ज़रिए यहाँ आए हैं और हमने वो तस्वीर भी देखी जिसमें प्लेन से वो ट्रक उतारे जा रहे हैं और अब इंशाल्लाह कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के अंदर जो है पूरे हिंदुस्तान में वो ऑक्सीजन पहुंचा दिया जाएगा। बहरहाल ये दो हुकूमतों का मामला नहीं है, ये दो मुल्कों का मामला नहीं है, ये इंसानियत की दोस्ती का मामला है, ये इंसानियत से मोहब्बत का मामला है कि जो सऊदी अरब ने यहाँ ये ऑक्सीजन दिया है। मैं इस वक्त इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि ये मेरे दिल की आवाज़ नहीं है, बल्कि अगर मैं कहूँ तो शायद पूरे हिंदुस्तान के दिल की आवाज़ यही होगी कि इस वक्त वो तमाम मुसलमान जो हिंदुस्तान के हैं वो अपने पीएम और अपने वज़ीर आज़म जनाब श्री नरेंद्र मोदी साहब से यही गुजारिश करेंगे कि हुजूर ये गैस, ये ऑक्सीजन जो आया है वो सऊदीया से आया है। सऊदीया वो मुल्क है कि जहाँ अल्लाह का घर है, नबी अल्लाह का घर है, जहाँ कुरान उतरा है, जहाँ इस्लाम आया है। हम कुछ नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि आप मुसलमानों की इस गुजारिश पर अमल करें और इतना बता दें नरसिम्हा सरस्वती जैसे लोगों को और उस जैसी सोच रखने वाले लोगों को कि इस्लाम इंसानियत का दुश्मन नहीं है, इंसानियत का दोस्त है। ये गैस उसी शहर से आया है, उसी मुल्क से आया है जिसमें मोहम्मद साहब रहा करते थे, जिसमें पैगंबर इस्लाम रहा करते थे। याद रखना, नरसिम्हा सरस्वती जैसे लोग आग फैला तो सकते हैं मगर आग बुझा नहीं सकते। अगर आग को बुझाएंगे तो हम और आप बुझाएंगे, अगर दुश्मनियों को ख़त्म करेंगे तो हम और आप करेंगे। याद रखिएगा, पैगंबर इस्लाम इस कायनात की जान है, पैगंबर इस्लाम इस कायनात की शान है। आज हमें इफ्तखार है कि हिंदुस्तान की मदद के लिए एक इस्लामिक मुल्क, एक मुस्लिम मुल्क निकल के सामने आया और उसने नरसिम्हा सरस्वती जैसे हर बद किरदार और बद अखलाक और बद जबान इंसान को जवाब दिया है कि याद रखो, ना इस्लाम इंसानियत का दुश्मन है, ना मुसलमान इंसानियत का दुश्मन है। फ़कत वस्सलाम।